तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अब एग्ज़ाम से सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और बहुत सारे बच्चों का ये मेरे पास मैसेज क्वेरी कि सर लास्ट टाइम पर कुछ बता दीजिए कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, किन चीज़ों को स्किप करें, ग्रामर का कंप्लीट रिवीजन कैसे करें, ये बहुत सारे सवाल। हालांकि ये घबराहट, ये चिंता वाजिब है, बिल्कुल डेफिनेटली वाजिब है। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ उससे 4-5 महीने पहले ही, बिल्कुल वाजिब है बच्चों। लेकिन आप लोग ऐसे में इतना घबरा जाएंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और करना तो आप ही को ही सब कुछ। हम लोग आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, बहुत पढ़ाया है मैंने यूट्यूब पर, सारी वीडियो मेरी अवेलेबल है यूट्यूब पर, जिन्होंने पेड कोर्स लिया है उनके लिए पेड कोर्स भी अवेलेबल है। अब करना क्या आप लोगों को, ज़रा वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो अब आप जो भी मॉक दे रहे थे, प्रीवियस दे रहे थे, उसको बंद कर दीजिए करना। अब सिर्फ अपने रिविज़न पर फोकस करें। क्लोज़ टेस्ट की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर, तो अब उसे बंद कर दीजिए। जितना इंप्रूवमेंट होना था क्लोज़ टेस्ट में वो आपका हो गया है। जीके वगैरह का अगर आप कुछ रिवीजन कर रहे हैं तो चलो करते रहिएगा। अगर आपको लग रहा है मेरा कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं खाली इंग्लिश की ही सलाह देने आया हूँ आपको। वैसे यहाँ पे आप लोग पहले तो ग्रामर वाला फोकस करें अपना कंप्लीट। मैंने कहा कि ग्रामर के लिए सिर्फ इस बुक से आप कर ले रिवाइज, वो भी 3 दिनों में, वो है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक। मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक की मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक शुरू से लेके आपके 164 तक और उसके बाद 164 से एंडिंग तक। अब 164 से एंडिंग सेट वाली वीडियो देख लीजिएगा, वो मुश्किल से 10-12-15 मिनट की वीडियो है, जिन्हें आप 3 दिन वगैरह देखना चाहें तो पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 50-100 वीडियोस के अंदर होंगे, 70 वीडियो के आसपास। तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा कंप्लीट, वहाँ से आपकी ग्रामर वाला पोर्शन पूरा मजबूत हो जाएगा बहुत अच्छे से, जहाँ से आपका स्कोर एकदम से ही जो है, तो अगर 25 मार्क्स का ग्रामर आ रहा है तो 20+ आपका मार्क्स आराम से गेन हो जाएंगे, वहाँ से आपका रिविजन हो जाएगा मतलब पूरा अच्छे से वहाँ पे। अब टॉपिक कौन से क्लियर करने हैं आपको, वोकैबुलरी मत छोड़ना अभी लास्ट टाइम तक भी, यानी कि एग्जाम वाली रात भी आपको वोकैबुलरी तो करके जानी जानी है। वोकैबुलरी बिल्कुल मत छोड़ना एक से लास्ट तक भी। वोकैबुलरी का पोर्शन ऐसा है कि अगर आपने एक दिन में छोड़ी तो वो आपके हाथ से गई। यस, क्लोज़ टेस्ट जितना इंप्रूव हो रहा था वो हो लिया है। आरसी करते रहेगा अभी भी, रीडिंग कंप्रेशन को अभी भी करते रहेगा, और अगर आपने अब तक करा ही नहीं है तो अब रीडिंग कंप्रेशन ही कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं ये भी सलाह दूंगा कि एग्जाम में रीडिंग कंप्रेशन छोड़ के भी नहीं आना है, उसको करके भी जरूर आना है, क्योंकि यही पोर्शन है जो आपको फ्री में नंबर दिलवाता है। अब सुन लो मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने आपको ग्रामर पोर्शन बताया मिरर बुक से, मिरर ऑफ कॉमन एरर, वो भी मेरी एंडिंग सेट वाली प्लेलिस्ट है हमारी, मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि वोकैबुलरी नहीं छोड़नी है 15 मार्क्स का, और आरसी। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो बहुत ईजी सा टॉपिक है, जहाँ से 20 नंबर आपके पूरे पूरे गेन हो जाएंगे। उसे तो आपने बढ़िया तरह से कर ही लिया होगा, लेकिन उसे भी लास्ट तक मत छोड़ना, क्योंकि क्या होता है कि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चा कि यहाँ एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे 20 में से 18-19 नंबर आ रहे हैं, मैं तो सेफ हूँ। फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना बच्चों, एग्जाम टाइम तक भी आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। लास्ट टाइम तक भी आपको कभी भी मन में यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरी तो ग्रामर बहुत अच्छी हो गई है या मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई है, आपने स्टेटस पर लगा दिया या फिर ग्रुप में डाल दिया, ये सबको बता दिया अपने दोस्तों को, किसी को कुछ मत बताइए। आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 0 ही हैं, आपको कुछ नहीं आता है, ध्यान रखें। आप लोग सिलेक्शन लेने के बाद आप लोगों को एडवाइस दीजिएगा, फिर आपके लोग सुनेंगे भी। तो पूरी अच्छे से तैयारी कर लीजिए इन टॉपिक की, ग्रामर वाला पोर्शन मिरर से, वोकैबुलरी करनी है, आरसी करनी है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोज़ टेस्ट को फिलहाल स्किप कर देना, और मॉक और प्रीवियस टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं ऑनलाइन उसको भी फिलहाल स्किप कर देना। लगे रहिए तैयारी में अपनी, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। रात में फिर एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा 9 बजे। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।